चिंकी गौरैया एक गरीब विधवा गौरैया थी। चिंकी के 4 बच्चे थे। वो अपने बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करती थी और उनके पालन पोषण के लिए दिन रात मेहनत किया करती थी। ऐसे ही एक सुबह चिंकी की बेटी मिनी चिड़िया उसे कहती है, माँ आप बहुत थकी हुई दिखाई दे रही हो, आज आप काम पर मत जाओ, आज आप हमारे साथ ही रहो घर पर। मैं भी बोर हो जाती हूँ क्योंकि आपको तो मालूम है मेरे जो बाकी के भाई बहन हैं वो बहुत छोटे हैं, बहुत ही ज्यादा नादान हैं, ज्यादातर समय वो सोते रहते हैं और आप घर से बाहर चले जाते हो काम के लिए। घर में मैं अकेली बोर हो जाती हूँ, इसलिए आज आप मेरे साथ घर पर रहो ना। अरे चिंकी बेटी, मैंने तुझे तो बताया है ना कि काम करना कितना जरूरी है। अगर मैं काम नहीं करूँगी तो मैं अपने बच्चों के लिए खाना कहाँ से लाऊंगी, और जीने के लिए खाना बहुत जरूरी है बेटा। हाँ हाँ वो तो है, लेकिन मैं तो बोर हो जाती हूँ ना क्योंकि मैं इनको छोड़कर घर से बाहर भी नहीं जा सकती, और घर में हूँ तो ये लोग मेरे से कोई बात ही नहीं करते क्योंकि अभी बहुत छोटे हैं, ठीक से बोल नहीं पाते। अरे मेरी बेटी चीजों को समय दे, अभी ये लोग छोटे हैं, धीरे धीरे बड़े हो जाएंगे, फिर ये तेरे से खूब बातें करेंगे, फिर तू खुद परेशान हो जाएगी और फिर मेरे से ही शिकायत करती पड़ेगी कि मुझे इसने आज परेशान किया, मुझे इतना परेशान किया, ये वो पता नहीं क्या क्या बोलेगी। हाँ माँ ये भी है, चलो ठीक है आप काम पर जाओ, मैं इन लोगों का अच्छे से ध्यान रखूंगी, आप इन लोगों की बिल्कुल चिंता मत करना, बेफिक्र होकर काम करना। इस तरह चिंकी अपनी बेटी मिनी को समझा बुझा कर काम के लिए निकल जाती है। शाम को चिंकी अपने बच्चों के लिए खूब सारा अच्छा अच्छा खाना लेकर आती है, बच्चे भी पेट भर के खाना खाते हैं। ऐसे ही चिंकी आए दिन घर में पकवान बनाया करती तो कभी बाहर से खाना ले आया करती। ऐसे ही एक दिन मिनी अपनी माँ से कहती है, माँ रोज रोज पकवान बनाना घर में ठीक नहीं है, आज पैसे हैं तो खूब ऐश करो, बाद में ये जो पैसे बचेंगे वो काम आएंगे ना। बेटा तू चिंता मत कर, जब तक तेरी माँ है तुम लोगों को भूखा नहीं मरने दूंगी। माँ ये तो मैं अच्छे से जानती हूँ कि जब तक आप हो तब तक हमें किसी चीज की कभी कोई कमी नहीं हो सकती, लेकिन चीजें ऐसी हैं जिसका हमें एक लिमिट में इस्तेमाल करना चाहिए ताकि कोई भी परिस्थिति आगे आए हमें उससे थोड़ी मदद मिल सके। माँ तू खाना खा, टेंशन ले रही है, अब मुझे मत सिखा, मैं तेरी माँ हूँ या तू मेरी माँ। चिंकी गौरैया अपनी बच्ची को डांट फटकार कर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही समय बीत जाता है, आए दिन फालतू पैसे खर्च किया करते। ऐसे ही एक रात चिंकी अपनी बेटी से बोलती है, मिनी अपने छोटे भाई बहनों का ध्यान रखना है, मौसम खराब है, कभी भी बारिश हो सकती है, इसलिए उन्हें सुरक्षित स्थान पर रख दे। ठीक है ना, मौसम देखकर तो ऐसा लग रहा है बहुत जोर से बारिश होगी और घर में खाने को भी कुछ नहीं है। अरे रात भर की बारिश है, सुबह तक सब ठीक हो जाएगा, मैं सुबह जाकर बहुत सारा खाना इकट्ठा करके लाऊंगी ताकि आगे बारिश हो गई तो मेरे बच्चे आराम से खा पी सके, बस ये रात हमें गुजारनी होगी। जैसा आप कहोगे मैं वैसा ही करती हूँ। मिनी अपने छोटे भाई बहनों को एक सुरक्षित स्थान पर रख देती है। ऐसे ही थोड़ी देर बाद बहुत जोर से बारिश होना शुरू हो जाती है, बारिश इतनी तेज होती है कि बाहर सभी का आना जाना बंद हो जाता है, चिंकी के सारे बच्चे भूख के मारे तड़पने लगते हैं। तभी मिनी अपनी माँ से कहती है, मुझे भी बहुत भूख लग रही है, साथ ही छोटे भाई बहन भूख के कारण तड़प रहे हैं, घर में खाने को कुछ भी नहीं है। माँ मैंने आपसे कहा था ना आगे कब कौन सी परिस्थिति आ जाए ये सब हम नहीं जानते, इसलिए हमें आगे का सोच कर चलना चाहिए था। आप देखिए ना बारिश इतनी तेज है, आप भी बाहर नहीं जा पाएंगी। तुम सब चिंता मत करो, कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकलेगा। माँ मैं अब और एक पल के लिए भी भूख को बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, मेरे लिए छोटे छोटे नादान भाई बहन ये तो भूख से तड़प रहे हैं ना, बहुत सारे रोग हैं इनको, कैसे ये बहुत छोटे हैं, इन्हें कैसे समझाऊं। मिनी तो इन्हें शांत कर और मुझे कुछ सोचने दे, मैं कुछ रास्ता जरूर निकाल लूंगी। चिंकी से अपने बच्चों की हालत देखी नहीं जा रही थी, वो बहुत चिंतित हो जाती है और सोचने लगती है कि वो अपने बच्चों का पेट कैसे भरे। देखते ही देखते 3 दिन निकल जाते हैं, 3 दिन से बच्चे भूख के मारे तड़प रहे होते हैं, साथ ही चिंकी को भी भूख परेशान करने लगती है। मिनी भूख से परेशान होकर अपनी माँ से कहती है, माँ अब बहुत हो गया, मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रही भूख, भूख तो आपको भी लगी है माँ, कुछ
पड़ेगा। मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही, भूख के मारे मेरे पेट में दर्द हो रहा है। मिनी मैं कल जाऊंगी, लेकिन बारिश बंद होने का नाम ही नहीं ले रही। और वहीं दूसरी ओर तुम सबने मेरे को परेशान कर दिया है। भूख तो मुझे भी लगी है, लेकिन मैं भी क्या ही कर सकती हूँ। अगर चीजें मेरे बस में होती तो मैं कब का तुम लोगों के लिए खाना लेके आ जाती। इसकी जिम्मेदार भी तो आप ही हो ना माँ। मैं आपको हमेशा बताती थी, लेकिन आपको बिल्कुल समझ में नहीं आता था। और आपकी वजह से हम सब भूख से मर रहे हैं। चिंकी अपने बच्चों से दूर होकर एक कोने में बैठ जाती है और सोचने लगती है। तभी उसके मन में एक ख्याल आता है। वो खुद से कहती है, एक ही रास्ता है मेरे पास, मुझे मजबूरी में मिनी को मारना होगा, क्योंकि बाकी बच्चे तो छोटे हैं, नादान हैं, लेकिन मिनी तो बड़ी है, वो समझदार है। उसे ही खत्म करना पड़ेगा और उसे पका कर मैं अपने बच्चों को खिला दूंगी और खुद भी खा लूंगी। जैसे ही बारिश बंद हो जाएगी खूब सारा अनाज जमा करके रख दूंगी। ये सोचकर चिंकी अपने बेटे मिनी को मार देती है और उसे पकाकर अपने बाकी बच्चों को खिलाती है और खुद भी खाती है। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं। बारिश बंद होने के बाद चिंकी खूब सारा अनाज अपने घर में अपने बाकी बच्चों के लिए जमा करती है। चिंकी चिड़िया कालू कौए से शादी करके नए जीवन में कदम रखती है। दोनों की लव मैरिज होती है। ससुराल में बड़े ही अच्छे से उसका स्वागत किया जाता है। ऐसे ही रात को चिंकी अपने पति कालू के साथ सो रही होती है कि तभी अचानक से चिंकी को मच्छरों के भिन्न भिन्न करने की आवाज सुनाई देती है। बेचारी चिंकी उसकी नींद खराब हो जाती है और वो आधी रात को उठकर बैठती है और अपने पति कालू को जगाते हुए कहती है, हे भगवान, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। क्या हुआ भाग्यवान, इतनी रात को इस तरह क्यों चिल्ला रही हो? मेरी तो जिंदगी ही बर्बाद हो गई तुमसे शादी करके। आज मेरी पहली रात है, उधर मेरी नींद खराब हो चुकी है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? मैंने ऐसा क्या कर दिया? तुम्हारे घर में इतने ज्यादा मच्छर हैं जो मुझे सोने नहीं देते। उनकी भिन भिन की आवाज़ सुनकर मैं बहुत ज्यादा इरिटेट हो रही हूँ। क्या इस घर में रोज का यही है? ओ मेरी बीवी, मच्छरों से परेशान है तू? अरे डार्लिंग, क्या बताऊं तुम्हें, मच्छरों का क्या है, ये तो कभी भी आ जाते। तुम कंबल में अपना मुंह ढक कर सो जाओ ना, एक भी मच्छर तुम्हें नहीं काटेगा। तुम पागल हो क्या, इतनी गर्मी में कंबल ओढ़कर सो? क्या तुम्हारे घर में एसी नहीं है? दूसरा, इतना ज्यादा मच्छर है तुम्हारे घर में, कैसे गुजारा होगा मेरा? मेरे से तो एक भी नहीं काटा जा रहा तुम्हारे घर में, पूरी जिंदगी कैसे काटूंगी मैं? चिंकी, जिंदगी प्यार से काटी जाती है। घर छोटा है बड़ा है, उसमें एसी लगा है नहीं लगा, ये सारी चीजें कुछ नहीं होती। अगर साथ मिलकर प्यार से रहते हैं ना, तो एसी वगैरह सब कुछ आ जाता है। बस वही सारी बातें जो फिल्मी है, अच्छी लगती है फिल्मों में, रियल जिंदगी में इनका कोई मतलब नहीं। अरे हर बातों में कोई ना कोई मतलब होता है, सोचो तो बहुत कुछ है, और अगर ना सोचो तो कुछ भी नहीं है चिंकी। खैर ये सब छोड़ो, तुम इतनी रात को क्यों उठ गई? आराम से सो जाओ, मैं काम करता हूँ, ऑल आउट जला देता हूँ। कालू अपनी पत्नी चिंकी के लिए अपने कमरे में ऑल आउट लगा देता है। थोड़ी देर बाद चिंकी फिर से सो जाती है, लेकिन ऑल आउट लगाने के बाद भी चिंकी को मच्छर बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। शायद उस घर में चिंकी का पहला दिन था, इसीलिए चिंकी को मच्छरों का होना ज्यादा महसूस हो रहा था। चिंकी परेशान होकर फिर से उठती है और कालू से कहती है, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती, ऑल आउट लगाने के बाद भी इस घर में मच्छरों पर कोई असर नहीं हो रहा, मुझे लगता है मुझे कुछ करना पड़ेगा, मैं जा रही हूँ छत पे सोने। अरे छत पर तो और मच्छर काटेंगे, क्योंकि छत खुली हुई है। तभी अचानक उस घर की लाइट चली जाती है। लाइट जाने के बाद पूरे घर में अंधेरा हो जाता है, पंखे भी बंद हो जाते हैं। चिंकी और ज्यादा परेशान होकर गुस्से से कालू से कहती है, लो अब तो लाइट भी चली गई, मच्छरों से क्या कम परेशान हो जो आप गर्मी से भी परेशान हो? तुम्हारे घर में इन्वर्टर नहीं है क्या? नहीं चिंकी, तुम्हें तो मालूम है ना मेरे घर की कंडीशन, जब मेरी जॉब लग जाएगी अच्छे से, तब मैं इन्वर्टर मतलब हर चीजों की व्यवस्था कर दूंगा। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे घर की कंडीशन ऐसी है, वरना मैं तुमसे इतनी जल्दी तो शादी नहीं करती। तुम्हें तो पता है ना मेरे पापा कितने बड़े बिजनेसमैन हैं, और मेरे घर में इतने सारे नौकर हैं, मुझे कभी भी किसी चीज की कोई कमी वमी महसूस नहीं हुई, और यहाँ एक दिन मुझसे नहीं काटा जा रहा। कालू को चिंकी की ये बात बहुत बुरी लगती है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहता। समय बीतता जाता है और चिंकी मच्छरों से आए दिन परेशान हुआ करती, और मच्छरों की वजह से वो अपना फ्रस्ट्रेशन अपने ससुराल वालों पर निकाला करती। ऐसे ही एक दिन चिंकी दिन में मैगजीन पढ़ रही होती है, तभी उसे मच्छर काटने लगते हैं। वो अपनी सास मेनका कबूतरी को गुस्सा करते हुए कहती है, सासू माँ, आपको तो अच्छा लग रहा होगा ना कि मैं इस तरह परेशान हो रही हूँ यहाँ पर, क्या आपको अपनी बहू की तकलीफ नजर नहीं आती? बहू, मैं तुझे क्या बताऊँ,
मुझे भी बहुत बुरा लगता है कि तू इतने आलीशान घर में रहकर आई है, अचानक से तुझे इस छोटे से घरों में मच्छरों के साथ गुजारा करना पड़ रहा है। समझ सकती हूँ तुझे, अभी दिक्कत हो रही है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे तो खुद को इसमें ढाल लेगी बेटा। ढालने का मतलब तो यही है ना कि मैं अपनी तकलीफों को छुपाते रहूं और आप लोगों को कुछ ना कहूं, यही चाहते हो ना आप सब लोग। बहू, तेरे घर में मच्छर नहीं थे, हम लोग मच्छरों को कोई दावत तो नहीं देते ना, वो अपनी मर्जी से ही आते हैं और कभी कभी आसपास का वातावरण कैसा होता है जिस कारण बहुत ज्यादा आते हैं मच्छर। तू अब आलीशान बंगले में रहकर आए है, यहाँ छोटे से कॉलोनी में हम रहते हैं, यहाँ तो मच्छरों का आना आम बात है बेटा। ठीक है, तो मैं ऐसा करती हूँ अपने पापा के घर चली जाती हूँ, आप लोग जब मच्छरों का कुछ जुगाड़ कर पाओ तो मुझे बुला लेना इस घर में, वरना मेरा तो दिन घुट ही रहा है यहाँ पर, एक दिन काटना मुश्किल हो रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मच्छरों की वजह से मुझे डेंगू मलेरिया कुछ होने वाला है। इतना बोलकर चिंकी गुस्से से अपने मायके चली जाती है। जब ये बात कालू को पता चलती है तो कालू को बहुत बुरा लगता है, लेकिन कालू भी गुस्से से चिंकी को फोन नहीं करता। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन कालू अपने ससुर तोता को चिंकी की सारी बात बताता है, जिसके बाद भोलू तोता अपनी बेटी को सुधारने की एक योजना बनाते हैं। ऐसे ही एक दिन भोलू तोता अपने बेटे चिंकी से कहते हैं, देख चिंकी, अब से तू स्टोर रूम के पीछे जो रूम बनाए ना वहाँ पर रहेगी, क्योंकि मेरी कंडीशन अब वैसी नहीं है कि मैं इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक्स के बिल पे कर पाऊँ। कुछ टाइम के लिए अपने खर्चों पर अपने ऐशो आराम के साथ फाउंडेशन लगानी होगी। पर पापा, स्टोर रूम के पीछे जो रूम है वहाँ तो सिर्फ पंखा चलता है, बहुत ज्यादा मच्छर काटेंगे वहाँ, और आपको तो पता है ना मैं अपना मायका छोड़कर इसीलिए आई हूँ क्योंकि मुझे वहाँ बहुत मच्छर काटते थे। उस घर में किसी भी चीज की कोई फैसिलिटी वैसिलिटी नहीं है। उस घर में अगर कोई फैसिलिटी नहीं है तो मैं क्या करूँ? जैसा ही है वो तेरा घर है और ये घर मेरा है, यहाँ पर तुझे मेरे हिसाब से रहना होगा। अच्छा, तो अब ये घर आपका हो चुका है। ठीक है पापा, अब मैं अपने ससुराल ही चली जाती हूँ, मुझे नहीं रहना आपके साथ। ऐसे ही चिंकी अपने ससुराल वापस आ जाती है और ससुराल आने के बाद वो अपनी मेनका सास से माफी मांगते हुए कहती है, सासू माँ, मैं अपने घर वापस आ गई। कहते हैं ना अपना घर अपना ही होता है, तो अब मुझे मेरे घर में मच्छर काटे या गर्मी में सोना पड़े, मैं यही रहूंगी। ऐसे ही समय बीतता जाता है और बीते समय के साथ चिंकी खुद को अपने ससुराल के माहौल में ढाल लेती है।